सिर्फ दो लोगों ने मोहब्बत की, एक वो, एक वो जिसकी मैं हो ना सकी। मेरा बढ़ता जाए कोई तो संभाले ना। सुना है मैंने कुछ और भी बीमार है जो अपनी तबीब की तलाश में यहाँ चल जाते। तेरी आतिफिज में मर जा सा। याद ना आया कर। इश्क तेरा। आखिर इसी क्या शिफा है तुम्हारे पास? काश मेरे पास कोई शिफा होती। मैं तो खुद किसी की शिफा की तलब में कब से दर बदर भटक रहा हूँ। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं, जरा सा भी ज़हनी दबाव इनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि इस ड्रामे का एंड क्या होगा। क्या माही की शादी सिकंदर से हो जाएगी या सिकंदर माही की शादी फरहाद से कर देगा? ड्रामे के एंड में क्या फरहाद घर वापस चला जाएगा या इसी दरबार पर ही रहेगा? ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए कि माही फरहाद को अपनी ही हवेली में देख चुकी है। सिकंदर की माँ घर में दुआ के लिए दरबार से कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें से फरहाद भी होता है। माही फरहाद को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। फिर फरहाद अचानक वहाँ से गायब हो जाता है तो माही परेशान होकर उसे इधर उधर देखने लग जाती है, मगर फरहाद फिर नजर नहीं आता। अब माही जानना चाहती है कि ये लोग कहाँ से आए थे। माही को जब पता चलता है कि ये लोग उसी दरबार से आए थे जहाँ अम्मा साईं जाया करती हैं। अब माही उस दरबार पर चली जाती है, वहाँ उससे फरहाद मिल जाता है। माही रोते हुए उसके सामने जाकर बैठ जाती है और अपने हाथ जोड़ लेती है और उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हारे टूटे हुए दिल की बद्दुआ मेरी जिंदगी खुशियां खा गई है। माही बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। फरहाद उसकी बात सुनकर रोते हुए कहता है कि ये क्या कह रही हो। माही कहती है कि मैं सच ही कह रही हूँ, मेरा हाल देखो, तुम्हारी बददुआ मुझे लग गई है। फरहाद उसे कोई जवाब नहीं देता और दोनों रोने लग जाते हैं। फरहाद को याद आ जाता है कि उसने माही से क्या कहा था कि तुमने मेरी सच्ची मोहब्बत को ठुकराया है, मेरा दिल तोड़ा है, कभी खुश नहीं रह पाओगी। याद आते ही फरहाद आंखें बंद करके दीवार से टेक लगाए बैठा रोता है। माही वहाँ से वापिस आ जाती है, उससे फरहाद कि ये हालत देखी नहीं जाती। माही बहुत परेशान होती है और यही सोचती है कि फरहाद जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ, मगर वो इस हाल में यहाँ क्यों रह रहा है। वो अपनी दोस्त को कॉल करके बताती है कि मैंने फरहाद को देखा है, वो बिल्कुल ठीक है और जिंदा भी है। उसकी दोस्त ये सुनकर बहुत हैरान होकर कहती है कि माही ये तुम क्या कह रही हो। फिर माही उसे सब कुछ बता देती है। माही कहती है कि मैंने फरहाद से मिलकर माफ़ी मांगी है, मगर उसका हाल देखकर मेरा दिल कट रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो किस हाल में है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से दो मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं, मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। माही बहुत ज्यादा रो रही होती है, उसकी दोस्त को समझ नहीं आता कि वो उससे क्या कहे। फिर उसकी दोस्त कहती है कि हमें उसके घर वालों को बताना चाहिए क्योंकि वही उसको यहाँ से लेकर जा सकते हैं और इस गम से निकाल सकते हैं। माही कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। दूसरी तरफ जब फरहाद के घर वालों को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही खुश होते हैं। उनको खबर मिलते ही फरहाद का भाई और बाप इस मज़ार पर आ जाते हैं। जब वो फरहाद की हालत देखते हैं तो जारो कतार रोने लग जाते हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर फरहाद के बाप से रहा नहीं जाता, वो फरहाद को गले लगाकर बहुत रोता है। दोनों को समझ नहीं आती कि फरहाद से क्या कहें। फरहाद का बाप कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गम से दिल लगाए बैठी है, वो रो रो कर पागल हो रही है, मगर अब तो चल हमारे साथ, तुझे ऐसे देख कर उसे दोबारा जिंदगी मिल जाएगी। मगर फरहाद उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। फरहाद की बहन की दोस्त जो कि फरहाद से बेहद मोहब्बत करती है, उसकी शादी हो जाती है। जब उसे ये खबर मिलती है कि फरहाद जिंदा है तो उसका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। फरहाद की बहन उससे कहती है कि संभालो खुद को, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। फरहाद की वालदा का रो रो कर बुरा हाल होता है, वो फरहाद से मिलने आती हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर कहती हैं कि मैं बूढ़ी अब तेरे बगैर नहीं रह सकती, मेरा दिल कहता है कि तू जिंदा है, मगर मेरी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा था कि माही फरहाद को अपनी ही हवेली में देख चुकी है। सिकंदर की माँ घर में दुआ के लिए दरबार से कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें
से फरहाद भी होता है। माही फरहाद को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। फिर फरहाद अचानक वहाँ से गायब हो जाता है तो माही परेशान होकर उसे इधर उधर देखने लग जाती है, मगर फरहाद फिर नजर नहीं आता। अब माही जानना चाहती है कि ये लोग कहाँ से आए थे। माही को जब पता चलता है कि ये लोग उसी दरबार से आए थे जहाँ अम्मा साई जाया करती हैं। अब माही उस दरबार पर चली जाती है, वहाँ उससे फरहाद मिल जाता है। माही रोते हुए उसके सामने जाकर बैठ जाती है और अपने हाथ जोड़ लेती है और उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हारे टूटे हुए दिल की बददुआ मेरी जिंदगी की खुशियाँ खा गई है। माही बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। फरहाद उसकी बात सुनकर रोते हुए कहता है कि ये क्या कह रही हो। माही कहती है कि मैं सच ही कह रही हूँ, मेरा हाल देखो, तुम्हारी बददुआ मुझे लग गई है। फरहाद उसे कोई जवाब नहीं देता और दोनों रोने लग जाते हैं। फरहाद को याद आ जाता है कि उसने माही से क्या कहा था कि तुमने मेरी सच्ची मोहब्बत को ठुकराया है, मेरा दिल तोड़ा है, कभी खुश नहीं रह पाओगी। याद आते ही फरहाद आंखें बंद करके दीवार से टेक लगाए बैठा रोता है। माही वहाँ से वापस आ जाती है, उससे फरहाद की ये हालत देखी नहीं जाती। माही बहुत परेशान होती है और यही सोचती है कि फरहाद जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ, मगर वो इस हाल में यहाँ क्यों रह रहा है। वो अपनी दोस्त को कॉल करके बताती है कि मैंने फरहाद को देखा है, वो बिल्कुल ठीक है और जिंदा भी है। उसकी दोस्त ये सुनकर बहुत हैरान होकर कहती है कि माही ये तुम क्या कह रही हो। फिर माही उसे सब कुछ बता देती है। माही कहती है कि मैंने फरहाद से मिलकर माफ़ी मांगी है, मगर उसका हाल देखकर मेरा दिल कट रहा है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो किस हाल में है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से दो मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। माही बहुत ज्यादा रो रही होती है। उसकी दोस्त को समझ नहीं आता कि वो उससे क्या कहे। फिर उसकी दोस्त कहती है कि हमें उसके घर वालों को बताना चाहिए क्योंकि वही उसको यहाँ से लेकर जा सकते हैं और इस गम से निकाल सकते हैं। माही कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। दूसरी तरफ जब फरहाद के घर वालों को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही खुश होते हैं। उनको खबर मिलते ही फरहाद का भाई और बाप इस मजार पर आ जाते हैं। जब वो फरहाद की हालत देखते हैं तो ज़ारों कतार रोने लग जाते हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर फरहाद के बाप से रहा नहीं जाता, वो फरहाद को गले लगाकर बहुत रोता है। दोनों को समझ नहीं आती कि फरहाद से क्या कहें। फरहाद का बाप कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गम से दिल लगाए बैठी है, वो रो रो कर पागल हो रही है, मगर अब तो चल हमारे साथ, तुझे ऐसे देखकर उसे दोबारा जिंदगी मिल जाएगी। मगर फरहाद उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। फरहाद की बहन की दोस्त जो कि फरहाद से बेहद मोहब्बत करती है, उसकी शादी हो जाती है। जब उसे ये खबर मिलती है कि फरहाद जिंदा है तो उसका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। फरहाद की बहन उससे कहती है कि संभालो खुद को, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। फरहाद की वालदा का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो फरहाद से मिलने आती हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर कहती हैं कि मैं बूढ़ी अब तेरे बगैर नहीं रह सकती, मेरा दिल कहता है कि तू जिंदा है, मगर मेरी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा था कि माही फरहाद को अपनी ही हवेली में देख चुकी है। सिकंदर की माँ घर में दुआ के लिए दरबार से कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें से फरहाद भी होता है। माही फरहाद को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। फिर फरहाद अचानक वहाँ से गायब हो जाता है तो माही परेशान होकर उसे इधर उधर देखने लग जाती है, मगर फरहाद फिर नजर नहीं आता। अब माही जानना चाहती है कि ये लोग कहाँ से आए थे। माही को जब पता चलता है कि ये लोग उसी दरबार से आए थे जहाँ अम्मा साई जाया करती हैं। अब माही उस दरबार पर चली जाती है, वहाँ उससे फरहाद मिल जाता है। माही रोते हुए उसके सामने जाकर बैठ जाती है और अपने हाथ जोड़ लेती है और उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हारे टूटे हुए दिल की बददुआ मेरी जिंदगी की खुशियाँ खा गई है। माही बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। फरहाद उसकी बात सुनकर रोते हुए कहता है कि ये क्या कह रही हो। माही कहती है कि मैं सच ही कह रही हूँ, मेरा हाल देखो, तुम्हारी बददुआ मुझे लग गई है। फरहाद उसे कोई जवाब नहीं देता और दोनों रोने लग जाते हैं। फरहाद को याद आ जाता है कि उसने माही से क्या कहा था कि तुमने मेरी सच्ची मोहब्बत को ठुकराया है, मेरा दिल तोड़ा है, कभी खुश नहीं रह पाओगी। याद आते ही फरहाद आंखें बंद करके दीवार से टेक लगाए बैठा रोता है। माही वहाँ से वापस आ जाती है, उससे फरहाद की ये हालत देखी नहीं जाती। माही बहुत परेशान होती है और यही सोचती है कि फरहाद जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ, मगर वो इस हाल में यहाँ क्यों रह रहा है। वो अपनी दोस्त को कॉल करके बताती है कि मैंने फरहाद को देखा है, वो बिल्कुल ठीक है और जिंदा भी है। उसकी दोस्त ये सुनकर बहुत हैरान होकर कहती है कि माही ये तुम क्या कह रही हो। फिर माही उसे सब कुछ बता देती है। माही कहती है कि मैंने फरहाद से मिलकर माफ़ी मांगी है, मगर उसका हाल देखकर मेरा दिल कट रहा है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो किस हाल में है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से दो मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं। मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। माही बहुत ज्यादा रो रही होती है। उसकी दोस्त को समझ नहीं आता कि वो उससे क्या कहे। फिर उसकी दोस्त कहती है कि हमें उसके घर वालों को बताना चाहिए क्योंकि वही उसको यहाँ से लेकर जा सकते हैं और इस गम से निकाल सकते हैं। माही कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। दूसरी तरफ जब फरहाद के घर वालों को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत
बहुत ही खुश होते हैं। उनको खबर मिलते ही फरहाद का भाई और बाप इस मजार पर आ जाते हैं। जब वो फरहाद की हालत देखते हैं तो जारो कतार रोने लग जाते हैं। अपने बेटे को जिंदा देख कर फरहाद के बाप से रहा नहीं जाता। वो फरहाद को गले लगाकर बहुत रोता है। दोनों को समझ नहीं आती कि फरहाद से क्या कहें। फरहाद का बाप कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गम से दिल लगाए बैठी है, वो रो रो कर पागल हो रही है, मगर अब तो चल हमारे साथ, तुझे ऐसे देखकर उसे दोबारा जिंदगी मिल जाएगी। मगर फरहाद उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। फरहाद की बहन की दोस्त जो कि फरहाद से बेहद मोहब्बत करती है, उसकी शादी हो जाती है। जब उसे ये खबर मिलती है कि फरहाद जिंदा है तो उसका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। फरहाद की बहन उससे कहती है कि संभालो खुद को, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। फरहाद की वालदा का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो फरहाद से मिलने आती हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर कहती हैं कि मैं बूढ़ी अब तेरे बगैर नहीं रह सकती, मेरा दिल कहता है कि तू जिंदा है, मगर मेरी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा था कि माही फरहाद को अपनी ही हवेली में देख चुकी है। सिकंदर की माँ घर में दुआ के लिए दरबार से कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें से फरहाद भी होता है। माही फरहाद को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। फिर फरहाद अचानक वहाँ से गायब हो जाता है तो माही परेशान होकर उसे इधर उधर देखने लग जाती है, मगर फरहाद फिर नजर नहीं आता। अब माही जानना चाहती है कि ये लोग कहाँ से आए थे। माही को जब पता चलता है कि ये लोग उसी दरबार से आए थे जहाँ अम्मा साईं जाया करती हैं। अब माही उस दरबार पर चली जाती है, वहाँ उससे फरहाद मिल जाता है। माही रोते हुए उसके सामने जाकर बैठ जाती है और अपने हाथ जोड़ लेती है और उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हारे टूटे हुए दिल की बद्दुआ मेरी जिंदगी की खुशियाँ खा गई है। माही बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। फरहाद उसकी बात सुनकर रोते हुए कहता है कि ये क्या कह रही हो। माही कहती है कि मैं सच ही कह रही हूँ, मेरा हाल देखो, तुम्हारी बद्दुआ मुझे लग गई है। फरहाद उसे कोई जवाब नहीं देता और दोनों रोने लग जाते हैं। फरहाद को याद आ जाता है कि उसने माही से क्या कहा था कि तुमने मेरी सच्ची मोहब्बत को ठुकराया है, मेरा दिल तोड़ा है, कभी खुश नहीं रह पाओगी। याद आते ही फरहाद आंखें बंद करके दीवार से टेक लगाए बैठा रोता है। माही वहाँ से वापिस आ जाती है, उससे फरहाद की ये हालत देखी नहीं जाती। माही बहुत परेशान होती है और यही सोचती है कि फरहाद जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ, मगर वो इस हाल में यहाँ क्यों रह रहा है। वो अपनी दोस्त को कॉल करके बताती है कि मैंने फरहाद को देखा है, वो बिल्कुल ठीक है और जिंदा भी है। उसकी दोस्त ये सुनकर बहुत हैरान होकर कहती है कि माही ये तुम क्या कह रही हो। फिर माही उसे सब कुछ बता देती है। माही कहती है कि मैंने फरहाद से मिलकर माफ़ी मांगी है, मगर उसका हाल देखकर मेरा दिल कट रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो किस हाल में है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से दो मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं, मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। माही बहुत ज्यादा रो रही होती है। उसकी दोस्त को समझ नहीं आता कि वो उससे क्या कहे। फिर उसकी दोस्त कहती है कि हमें उसके घर वालों को बताना चाहिए क्योंकि वही उसको यहाँ से लेकर जा सकते हैं और इस गम से निकाल सकते हैं। माही कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। दूसरी तरफ जब फरहाद के घर वालों को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही खुश होते हैं। उनको खबर मिलते ही फरहाद का भाई और बाप इस मजार पर आ जाते हैं। जब वो फरहाद की हालत देखते हैं तो जारो कतार रोने लग जाते हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर फरहाद के बाप से रहा नहीं जाता। वो फरहाद को गले लगाकर बहुत रोता है। दोनों को समझ नहीं आती कि फरहाद से क्या कहें। फरहाद का बाप कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गम से दिल लगाए बैठी है, वो रो रो कर पागल हो रही है, मगर अब तो चल हमारे साथ, तुझे ऐसे देखकर उसे दोबारा जिंदगी मिल जाएगी। मगर फरहाद उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। फरहाद की बहन की दोस्त जो कि फरहाद से बेहद मोहब्बत करती है, उसकी शादी हो जाती है। जब उसे ये खबर मिलती है कि फरहाद जिंदा है तो उसका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। फरहाद की बहन उससे कहती है कि संभालो खुद को, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। फरहाद की वालदा का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो फरहाद से मिलने आती हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर कहती हैं कि मैं बूढ़ी अब तेरे बगैर नहीं रह सकती, मेरा दिल कहता है कि तू जिंदा है, मगर मेरी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा था कि माही फरहाद को अपनी ही हवेली में देख चुकी है। सिकंदर की माँ घर में दुआ के लिए दरबार से कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें से फरहाद भी होता है। माही फरहाद को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। फिर फरहाद अचानक वहाँ से गायब हो जाता है तो माही परेशान होकर उसे इधर उधर देखने लग जाती है। मगर फरहाद फिर नजर नहीं आता। अब माही जानना चाहती है कि ये लोग कहाँ से आए थे। माही को जब पता चलता है कि ये लोग उसी दरबार से आए थे जहाँ अम्मा साईं जाया करती हैं। अब माही उस दरबार पर चली जाती है, वहाँ उससे फरहाद मिल जाता है। माही रोते हुए उसके सामने जाकर बैठ जाती है और अपने हाथ जोड़ लेती है और उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हारे टूटे हुए दिल की बद्दुआ मेरी जिंदगी की खुशियाँ खा गई है। माही बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। फरहाद उसकी बात सुनकर रोते हुए कहता है कि ये क्या कह रही हो। माही कहती है कि मैं सच ही कह रही हूँ, मेरा हाल देखो, तुम्हारी बद्दुआ मुझे लग गई है। फरहाद उसे कोई जवाब नहीं देता और दोनों रोने लग जाते हैं। फरहाद को याद आ जाता है कि उसने माही से क्या कहा था कि तुम
तुमने मेरी सच्ची मोहब्बत को ठुकराया है, मेरा दिल तोड़ा है, कभी खुश नहीं रह पाओगी। याद आते ही फरहाद आंखें बंद करके दीवार से टेक लगाए बैठा रोता है। माही वहाँ से वापिस आ जाती है। उससे फरहाद की ये हालत देखी नहीं जाती। माही बहुत परेशान होती है और यही सोचती है कि फरहाद जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ, मगर वो इस हाल में यहाँ क्यों रह रहा है। वो अपनी दोस्त को कॉल करके बताती है कि मैंने फरहाद को देखा है, वो बिल्कुल ठीक है और जिंदा भी है। उसकी दोस्त ये सुनकर बहुत हैरान होकर कहती है कि माही ये तुम क्या कह रही हो। फिर माही उसे सब कुछ बता देती है। माही कहती है कि मैंने फरहाद से मिलकर माफ़ी मांगी है, मगर उसका हाल देखकर मेरा दिल कट रहा है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो किस हाल में है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से दो मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूंगी। माही बहुत ज्यादा रो रही होती है। उसकी दोस्त को समझ नहीं आता कि वो उससे क्या कहे। फिर उसकी दोस्त कहती है कि हमें उसके घर वालों को बताना चाहिए, क्योंकि वही उसको यहाँ से लेकर जा सकते हैं और इस गम से निकाल सकते हैं। माही कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। दूसरी तरफ जब फरहाद के घर वालों को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही खुश होते हैं। उनको खबर मिलते ही फरहाद का भाई और बाप इस मजार पर आ जाते हैं। जब वो फरहाद की हालत देखते हैं तो जारो कतार रोने लग जाते हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर फरहाद के बाप से रहा नहीं जाता। वो फरहाद को गले लगाकर बहुत रोता है। दोनों को समझ नहीं आती कि फरहाद से क्या कहें। फरहाद का बाप कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गम से दिल लगाए बैठी है, वो रो रो कर पागल हो रही है, मगर अब तो चल हमारे साथ, तुझे ऐसे देखकर उसे दोबारा जिंदगी मिल जाएगी। मगर फरहाद उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। फरहाद की बहन की दोस्त जो कि फरहाद से बेहद मोहब्बत करती है, उसकी शादी हो जाती है। जब उसे ये खबर मिलती है कि फरहाद जिंदा है तो उसका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। फरहाद की बहन उससे कहती है कि संभालो खुद को, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। फरहाद की वालदा का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो फरहाद से मिलने आती हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर कहती हैं कि मैं बूढ़ी अब तेरे बगैर नहीं रह सकती, मेरा दिल कहता है कि तू जिंदा है, मगर मेरी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा था कि माही फरहाद को अपनी ही हवेली में देख चुकी है। सिकंदर की माँ घर में दुआ के लिए दरबार से कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें से फरहाद भी होता है। माही फरहाद को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। फिर फरहाद अचानक वहाँ से गायब हो जाता है तो माही परेशान होकर उसे इधर उधर देखने लग जाती है, मगर फरहाद फिर नजर नहीं आता। अब माही जानना चाहती है कि ये लोग कहाँ से आए थे। माही को जब पता चलता है कि ये लोग उसी दरबार से आए थे जहाँ अम्मा साईं जाया करती हैं। अब माही उस दरबार पर चली जाती है, वहाँ उससे फरहाद मिल जाता है। माही रोते हुए उसके सामने जाकर बैठ जाती है और अपने हाथ जोड़ लेती है और उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हारे टूटे हुए दिल की बद्दुआ मेरी जिंदगी की खुशियाँ खा गई है। माही बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। फरहाद उसकी बात सुनकर रोते हुए कहता है कि ये क्या कह रही हो। माही कहती है कि मैं सच ही कह रही हूँ, मेरा हाल देखो, तुम्हारी बद्दुआ मुझे लग गई है। फरहाद उसे कोई जवाब नहीं देता और दोनों रोने लग जाते हैं। फरहाद को याद आ जाता है कि उसने माही से क्या कहा था कि तुमने मेरी सच्ची मोहब्बत को ठुकराया है, मेरा दिल तोड़ा है, कभी खुश नहीं रह पाओगी। याद आते ही फरहाद आंखें बंद करके दीवार से टेक लगाए बैठा रोता है। माही वहाँ से वापिस आ जाती है। उससे फरहाद की ये हालत देखी नहीं जाती। माही बहुत परेशान होती है और यही सोचती है कि फरहाद जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ, मगर वो इस हाल में यहाँ क्यों रह रहा है। वो अपनी दोस्त को कॉल करके बताती है कि मैंने फरहाद को देखा है, वो बिल्कुल ठीक है और जिंदा भी है। उसकी दोस्त ये सुनकर बहुत हैरान होकर कहती है कि माही ये तुम क्या कह रही हो। फिर माही उसे सब कुछ बता देती है। माही कहती है कि मैंने फरहाद से मिलकर माफ़ी मांगी है, मगर उसका हाल देखकर मेरा दिल कट रहा है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो किस हाल में है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से दो मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूंगी। माही बहुत ज्यादा रो रही होती है। उसकी दोस्त को समझ नहीं आता कि वो उससे क्या कहे। फिर उसकी दोस्त कहती है कि हमें उसके घर वालों को बताना चाहिए, क्योंकि वही उसको यहाँ से लेकर जा सकते हैं और इस गम से निकाल सकते हैं। माही कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। दूसरी तरफ जब फरहाद के घर वालों को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही खुश होते हैं। उनको खबर मिलते ही फरहाद का भाई और बाप इस मजार पर आ जाते हैं। जब वो फरहाद की हालत देखते हैं तो जारो कतार रोने लग जाते हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर फरहाद के बाप से रहा नहीं जाता। वो फरहाद को गले लगाकर बहुत रोता है। दोनों को समझ नहीं आती कि फरहाद से क्या कहें। फरहाद का बाप कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गम से दिल लगाए बैठी है, वो रो रो कर पागल हो रही है, मगर अब तो चल हमारे साथ, तुझे ऐसे देखकर उसे दोबारा जिंदगी मिल जाएगी। मगर फरहाद उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। फरहाद की बहन की दोस्त जो कि फरहाद से बेहद मोहब्बत करती है, उसकी शादी हो जाती है। जब उसे ये खबर मिलती है कि फरहाद जिंदा है तो उसका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। फरहाद की बहन उससे कहती है कि संभालो खुद को, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। फरहाद की वालदा का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो फरहाद से मिलने आती हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर
कहती हैं कि मैं बूढ़ी अब तेरे बगैर नहीं रह सकती, मेरा दिल कहता है कि तू जिंदा है, मगर मेरी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा था कि माही फरहाद को अपनी ही हवेली में देख चुकी है। सिकंदर की माँ घर में दुआ के लिए दरबार से कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें से फरहाद भी होता है। माही फरहाद को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। फिर फरहाद अचानक वहाँ से गायब हो जाता है तो माही परेशान होकर उसे इधर उधर देखने लग जाती है, मगर फरहाद फिर नजर नहीं आता। अब माही जानना चाहती है कि ये लोग कहाँ से आए थे। माही को जब पता चलता है कि ये लोग उसी दरबार से आए थे जहाँ अम्मा साईं जाया करती हैं। अब माही उस दरबार पर चली जाती है, वहाँ उससे फरहाद मिल जाता है। माही रोते हुए उसके सामने जाकर बैठ जाती है और अपने हाथ जोड़ लेती है और उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हारे टूटे हुए दिल की बददुआ मेरी जिंदगी की खुशियाँ खा गई है। माही बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। फरहाद उसकी बात सुनकर रोते हुए कहता है कि ये क्या कह रही हो। माही कहती है कि मैं सच ही कह रही हूँ, मेरा हाल देखो, तुम्हारी बददुआ मुझे लग गई है। फरहाद उसे कोई जवाब नहीं देता और दोनों रोने लग जाते हैं। फरहाद को याद आ जाता है कि उसने माही से क्या कहा था कि तुमने मेरी सच्ची मोहब्बत को ठुकराया है, मेरा दिल तोड़ा है, कभी खुश नहीं रह पाओगी। याद आते ही फरहाद आंखें बंद करके दीवार से टेक लगाए बैठा रोता है। माही वहाँ से वापस आ जाती है, उससे फरहाद की ये हालत देखी नहीं जाती। माही बहुत परेशान होती है और यही सोचती है कि फरहाद जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ, मगर वो इस हाल में यहाँ क्यों रह रहा है। वो अपनी दोस्त को कॉल करके बताती है कि मैंने फरहाद को देखा है, वो बिल्कुल ठीक है और जिंदा भी है। उसकी दोस्त ये सुनकर बहुत हैरान होकर कहती है कि माही ये तुम क्या कह रही हो। फिर माही उसे सब कुछ बता देती है। माही कहती है कि मैंने फरहाद से मिलकर माफी मांगी है, मगर उसका हाल देखकर मेरा दिल कट रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो किस हाल में है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से दो मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं, मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। माही बहुत ज्यादा रो रही होती है, उसकी दोस्त को समझ नहीं आता कि वो उससे क्या कहे। फिर उसकी दोस्त कहती है कि हमें उसके घर वालों को बताना चाहिए क्योंकि वही उसको यहाँ से लेकर जा सकते हैं और इस गम से निकाल सकते हैं। माही कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। दूसरी तरफ जब फरहाद के घर वालों को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही खुश होते हैं। उनको खबर मिलते ही फरहाद का भाई और बाप इस मजार पर आ जाते हैं। जब वो फरहाद की हालत देखते हैं तो जारो कतार रोने लग जाते हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर फरहाद के बाप से रहा नहीं जाता, वो फरहाद को गले लगाकर बहुत रोता है। दोनों को समझ नहीं आती कि फरहाद से क्या कहें। फरहाद का बाप कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गम से दिल लगाए बैठी है, वो रो रो कर पागल हो रही है, मगर अब तो चल हमारे साथ, तुझे ऐसे देखकर उसे दोबारा जिंदगी मिल जाएगी। मगर फरहाद उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। फरहाद की बहन की दोस्त जो कि फरहाद से बेहद मोहब्बत करती है, उसकी शादी हो जाती है। जब उसे ये खबर मिलती है कि फरहाद जिंदा है तो उसका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। फरहाद की बहन उससे कहती है कि संभालो खुद को, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। फरहाद की वालदा का रो रो कर बुरा हाल होता है, वो फरहाद से मिलने आती हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर कहती हैं कि मैं बूढ़ी अब तेरे बगैर नहीं रह सकती, मेरा दिल कहता है कि तू जिंदा है, मगर मेरी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा था कि माही फरहाद को अपनी ही हवेली में देख चुकी है। सिकंदर की माँ घर में दुआ के लिए दरबार से कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें से फरहाद भी होता है। माही फरहाद को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। फिर फरहाद अचानक वहाँ से गायब हो जाता है तो माही परेशान होकर उसे इधर उधर देखने लग जाती है, मगर फरहाद फिर नजर नहीं आता। अब माही जानना चाहती है कि ये लोग कहाँ से आए थे। माही को जब पता चलता है कि ये लोग उसी दरबार से आए थे जहाँ अम्मा साईं जाया करती हैं। अब माही उस दरबार पर चली जाती है, वहाँ उससे फरहाद मिल जाता है। माही रोते हुए उसके सामने जाकर बैठ जाती है और अपने हाथ जोड़ लेती है और उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हारे टूटे हुए दिल की बददुआ मेरी जिंदगी की खुशियाँ खा गई है। माही बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। फरहाद उसकी बात सुनकर रोते हुए कहता है कि ये क्या कह रही हो। माही कहती है कि मैं सच ही कह रही हूँ, मेरा हाल देखो, तुम्हारी बददुआ मुझे लग गई है। फरहाद उसे कोई जवाब नहीं देता और दोनों रोने लग जाते हैं। फरहाद को याद आ जाता है कि उसने माही से क्या कहा था कि तुमने मेरी सच्ची मोहब्बत को ठुकराया है, मेरा दिल तोड़ा है, कभी खुश नहीं रह पाओगी। याद आते ही फरहाद आंखें बंद करके दीवार से टेक लगाए बैठा रोता है। माही वहाँ से वापस आ जाती है, उससे फरहाद की ये हालत देखी नहीं जाती। माही बहुत परेशान होती है और यही सोचती है कि फरहाद जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ, मगर वो इस हाल में यहाँ क्यों रह रहा है। वो अपनी दोस्त को कॉल करके बताती है कि मैंने फरहाद को देखा है, वो बिल्कुल ठीक है और जिंदा भी है। उसकी दोस्त ये सुनकर बहुत हैरान होकर कहती है कि माही ये तुम क्या कह रही हो। फिर माही उसे सब कुछ बता देती है। माही कहती है कि मैंने फरहाद से मिलकर माफी मांगी है, मगर उसका हाल देखकर मेरा दिल कट रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो किस हाल में है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से दो मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं, मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। माही बहुत ज्यादा रो रही होती है, उसकी दोस्त को समझ नहीं आता कि वो उससे क्या कहे।
फिर उसकी दोस्त कहती है कि हमें उसके घर वालों को बताना चाहिए क्योंकि वही उसको यहाँ से लेकर जा सकते हैं और इस गम से निकाल सकते हैं। माही कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। दूसरी तरफ जब फरहाद के घर वालों को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही खुश होते हैं। उनको खबर मिलते ही फरहाद का भाई और बाप इस मजार पर आ जाते हैं। जब वो फरहाद की हालत देखते हैं तो जारो कतार रोने लग जाते हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर फरहाद के बाप से रहा नहीं जाता। वो फरहाद को गले लगाकर बहुत रोता है। दोनों को समझ नहीं आती कि फरहाद से क्या कहें। फरहाद का बाप कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गम से दिल लगाए बैठी है, वो रो रो कर पागल हो रही है, मगर अब तो चल हमारे साथ, तुझे ऐसे देखकर उसे दोबारा जिंदगी मिल जाएगी। मगर फरहाद उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। फरहाद की बहन की दोस्त जो कि फरहाद से बेहद मोहब्बत करती है, उसकी शादी हो जाती है। जब उसे ये खबर मिलती है कि फरहाद जिंदा है तो उसका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। फरहाद की बहन उससे कहती है कि संभालो खुद को, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। फरहाद की वालदा का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो फरहाद से मिलने आती हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर कहती हैं कि मैं बूढ़ी अब तेरे बगैर नहीं रह सकती, मेरा दिल कहता है कि तू जिंदा है, मगर मेरी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा था कि माही फरहाद को अपनी ही हवेली में देख चुकी है। सिकंदर की माँ घर में दुआ के लिए दरबार से कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें से फरहाद भी होता है। माही फरहाद को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। फिर फरहाद अचानक वहाँ से गायब हो जाता है तो माही परेशान होकर उसे इधर उधर देखने लग जाती है, मगर फरहाद फिर नजर नहीं आता। अब माही जानना चाहती है कि ये लोग कहाँ से आए थे। माही को जब पता चलता है कि ये लोग उसी दरबार से आए थे जहाँ अम्मा साईं जाया करती हैं। अब माही उस दरबार पर चली जाती है, वहाँ उससे फरहाद मिल जाता है। माही रोते हुए उसके सामने जाकर बैठ जाती है और अपने हाथ जोड़ लेती है और उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हारे टूटे हुए दिल की बददुआ मेरी जिंदगी की खुशियाँ खा गई है। माही बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। फरहाद उसकी बात सुनकर रोते हुए कहता है कि ये क्या कह रही हो। माही कहती है कि मैं सच ही कह रही हूँ, मेरा हाल देखो, तुम्हारी बददुआ मुझे लग गई है। फरहाद उसे कोई जवाब नहीं देता और दोनों रोने लग जाते हैं। फरहाद को याद आ जाता है कि उसने माही से क्या कहा था कि तुमने मेरी सच्ची मोहब्बत को ठुकराया है, मेरा दिल तोड़ा है, कभी खुश नहीं रह पाओगी। याद आते ही फरहाद आंखें बंद करके दीवार से टेक लगाए बैठा रोता है। माही वहाँ से वापस आ जाती है, उससे फरहाद की ये हालत देखी नहीं जाती। माही बहुत परेशान होती है और यही सोचती है कि फरहाद जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ, मगर वो इस हाल में यहाँ क्यों रह रहा है। वो अपनी दोस्त को कॉल करके बताती है कि मैंने फरहाद को देखा है, वो बिल्कुल ठीक है और जिंदा भी है। उसकी दोस्त ये सुनकर बहुत हैरान होकर कहती है कि माही ये तुम क्या कह रही हो। फिर माही उसे सब कुछ बता देती है। माही कहती है कि मैंने फरहाद से मिलकर माफ़ी मांगी है, मगर उसका हाल देखकर मेरा दिल कट रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो किस हाल में है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से दो मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूंगी। माही बहुत ज्यादा रो रही होती है। उसकी दोस्त को समझ नहीं आता कि वो उससे क्या कहे। फिर उसकी दोस्त कहती है कि हमें उसके घर वालों को बताना चाहिए क्योंकि वही उसको यहाँ से लेकर जा सकते हैं और इस गम से निकाल सकते हैं। माही कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। दूसरी तरफ जब फरहाद के घर वालों को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही खुश होते हैं। उनको खबर मिलते ही फरहाद का भाई और बाप इस मजार पर आ जाते हैं। जब वो फरहाद की हालत देखते हैं तो जारो कतार रोने लग जाते हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर फरहाद के बाप से रहा नहीं जाता। वो फरहाद को गले लगाकर बहुत रोता है। दोनों को समझ नहीं आती कि फरहाद से क्या कहें। फरहाद का बाप कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गम से दिल लगाए बैठी है, वो रो रो कर पागल हो रही है, मगर अब तो चल हमारे साथ, तुझे ऐसे देखकर उसे दोबारा जिंदगी मिल जाएगी। मगर फरहाद उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। फरहाद की बहन की दोस्त जो कि फरहाद से बेहद मोहब्बत करती है, उसकी शादी हो जाती है। जब उसे ये खबर मिलती है कि फरहाद जिंदा है तो उसका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। फरहाद की बहन उससे कहती है कि संभालो खुद को, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। फरहाद की वालदा का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो फरहाद से मिलने आती हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर कहती हैं कि मैं बूढ़ी अब तेरे बगैर नहीं रह सकती, मेरा दिल कहता है कि तू जिंदा है, मगर मेरी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा था कि माही फरहाद को अपनी ही हवेली में देख चुकी है। सिकंदर की माँ घर में दुआ के लिए दरबार से कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें से फरहाद भी होता है। माही फरहाद को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। फिर फरहाद अचानक वहाँ से गायब हो जाता है तो माही परेशान होकर उसे इधर उधर देखने लग जाती है। मगर फरहाद फिर नजर नहीं आता। अब माही जानना चाहती है कि ये लोग कहाँ से आए थे। माही को जब पता चलता है कि ये लोग उसी दरबार से आए थे जहाँ अम्मा साईं जाया करती हैं। अब माही उस दरबार पर चली जाती है, वहाँ उससे फरहाद मिल जाता है। माही रोते हुए उसके सामने जाकर बैठ जाती है और अपने हाथ जोड़ लेती है और उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हारे टूटे हुए दिल की बददुआ मेरी जिंदगी की खुशियाँ खा गई है। माही बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। फरहाद उसकी बात सुनकर
रोते हुए कहता है कि ये क्या कह रही हो। माही कहती है कि मैं सच ही कह रही हूँ, मेरा हाल देखो, तुम्हारी बददुआ मुझे लग गई है। फरहाद उसे कोई जवाब नहीं देता और दोनों रोने लग जाते हैं। फरहाद को याद आ जाता है कि उसने माही से क्या कहा था कि तुमने मेरी सच्ची मोहब्बत को ठुकराया है, मेरा दिल तोड़ा है, कभी खुश नहीं रह पाओगी। याद आते ही फरहाद आंखें बंद करके दीवार से टेक लगाए बैठा रोता है। माही वहाँ से वापिस आ जाती है, उससे फरहाद की ये हालत देखी नहीं जाती। माही बहुत परेशान होती है और यही सोचती है कि फरहाद जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ, मगर वो इस हाल में यहाँ क्यों रह रहा है। वो अपनी दोस्त को कॉल करके बताती है कि मैंने फरहाद को देखा है, वो बिल्कुल ठीक है और जिंदा भी है। उसकी दोस्त ये सुनकर बहुत हैरान होकर कहती है कि माही ये तुम क्या कह रही हो। फिर माही उसे सब कुछ बता देती है। माही कहती है कि मैंने फरहाद से मिलकर माफ़ी मांगी है, मगर उसका हाल देखकर मेरा दिल कट रहा है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो किस हाल में है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से दो मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। माही बहुत ज्यादा रो रही होती है, उसकी दोस्त को समझ नहीं आता कि वो उससे क्या कहे। फिर उसकी दोस्त कहती है कि हमें उसके घर वालों को बताना चाहिए, क्योंकि वही उसको यहाँ से लेकर जा सकते हैं और इस गम से निकाल सकते हैं। माही कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। दूसरी तरफ जब फरहाद के घर वालों को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही खुश होते हैं। उनको खबर मिलते ही फरहाद का भाई और बाप इस मजार पर आ जाते हैं। जब वो फरहाद की हालत देखते हैं तो जारो कतार रोने लग जाते हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर फरहाद के बाप से रहा नहीं जाता, वो फरहाद को गले लगाकर बहुत रोता है। दोनों को समझ नहीं आती कि फरहाद से क्या कहें। फरहाद का बाप कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गम से दिल लगाए बैठी है, वो रो रो कर पागल हो रही है, मगर अब तो चल हमारे साथ, तुझे ऐसे देखकर उसे दोबारा जिंदगी मिल जाएगी। मगर फरहाद उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। फरहाद की बहन की दोस्त जो कि फरहाद से बेहद मोहब्बत करती है, उसकी शादी हो जाती है। जब उसे ये खबर मिलती है कि फरहाद जिंदा है तो उसका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। फरहाद की बहन उससे कहती है कि संभालो खुद को, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। फरहाद की वालदा का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो फरहाद से मिलने आती हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर कहती हैं कि मैं बूढ़ी अब तेरे बगैर नहीं रह सकती, मेरा दिल कहता है कि तू जिंदा है, मगर मेरी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा था कि माही फरहाद को अपनी ही हवेली में देख चुकी है। सिकंदर की माँ घर में दुआ के लिए दरबार से कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें से फरहाद भी होता है। माही फरहाद को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। फिर फरहाद अचानक वहाँ से गायब हो जाता है तो माही परेशान होकर उसे इधर उधर देखने लग जाती है, मगर फरहाद फिर नजर नहीं आता। अब माही जानना चाहती है कि ये लोग कहाँ से आए थे। माही को जब पता चलता है कि ये लोग उसी दरबार से आए थे जहाँ अम्मा साईं जाया करती हैं। अब माही उस दरबार पर चली जाती है, वहाँ उससे फरहाद मिल जाता है। माही रोते हुए उसके सामने जाकर बैठ जाती है और अपने हाथ जोड़ लेती है और उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हारे टूटे हुए दिल की बददुआ मेरी जिंदगी खुशियाँ खा गई है। माही बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। फरहाद उसकी बात सुनकर रोते हुए कहता है कि ये क्या कह रही हो। माही कहती है कि मैं सच ही कह रही हूँ, मेरा हाल देखो, तुम्हारी बददुआ मुझे लग गई है। फरहाद उसे कोई जवाब नहीं देता और दोनों रोने लग जाते हैं। फरहाद को याद आ जाता है कि उसने माही से क्या कहा था कि तुमने मेरी सच्ची मोहब्बत को ठुकराया है, मेरा दिल तोड़ा है, कभी खुश नहीं रह पाओगी। याद आते ही फरहाद आंखें बंद करके दीवार से टेक लगाए बैठा रोता है। माही वहाँ से वापिस आ जाती है, उससे फरहाद की ये हालत देखी नहीं जाती। माही बहुत परेशान होती है और यही सोचती है कि फरहाद जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ, मगर वो इस हाल में यहाँ क्यों रह रहा है। वो अपनी दोस्त को कॉल करके बताती है कि मैंने फरहाद को देखा है, वो बिल्कुल ठीक है और जिंदा भी है। उसकी दोस्त ये सुनकर बहुत हैरान होकर कहती है कि माही ये तुम क्या कह रही हो। फिर माही उसे सब कुछ बता देती है। माही कहती है कि मैंने फरहाद से मिलकर माफ़ी मांगी है, मगर उसका हाल देखकर मेरा दिल कट रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो किस हाल में है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से दो मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। माही बहुत ज्यादा रो रही होती है, उसकी दोस्त को समझ नहीं आता कि वो उससे क्या कहे। फिर उसकी दोस्त कहती है कि हमें उसके घर वालों को बताना चाहिए, क्योंकि वही उसको यहाँ से लेकर जा सकते हैं और इस गम से निकाल सकते हैं। माही कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। दूसरी तरफ जब फरहाद के घर वालों को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही खुश होते हैं। उनको खबर मिलते ही फरहाद का भाई और बाप इस मजार पर आ जाते हैं। जब वो फरहाद की हालत देखते हैं तो जारो कतार रोने लग जाते हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर फरहाद के बाप से रहा नहीं जाता, वो फरहाद को गले लगाकर बहुत रोता है। दोनों को समझ नहीं आती कि फरहाद से क्या कहें। फरहाद का बाप कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गम से दिल लगाए बैठी है, वो रो रो कर पागल हो रही है, मगर अब तो चल हमारे साथ, तुझे ऐसे देखकर उसे दोबारा जिंदगी मिल जाएगी। मगर फरहाद उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। फरहाद की बहन की दोस्त जो कि फरहाद से बेहद मोहब्बत करती है, उसकी शादी हो जाती है। जब उसे ये खबर मिलती है कि फरहाद जिंदा है तो उसका भी रो रो कर बुरा हाल
हाल होता है। फरहाद की बहन उससे कहती है कि संभालो खुद को, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। फरहाद की वालदा का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो फरहाद से मिलने आती है और उसके सामने हाथ जोड़ कर कहती है कि मैं बूढ़ी अब तेरे बगैर नहीं रह सकती, मेरा दिल कहता है कि तू जिंदा है, मगर मेरी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा था कि माही फरहाद को अपनी ही हवेली में देख चुकी है। सिकंदर की माँ घर में दुआ के लिए दरबार से कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें से फरहाद भी होता है। माही फरहाद को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। फिर फरहाद अचानक वहाँ से गायब हो जाता है तो माही परेशान होकर उसे इधर उधर देखने लग जाती है, मगर फरहाद फिर नजर नहीं आता। अब माही जानना चाहती है कि ये लोग कहाँ से आए थे। माही को जब पता चलता है कि ये लोग उसी दरबार से आए थे जहाँ अम्मा साईं जाया करती हैं। अब माही उस दरबार पर चली जाती है, वहाँ उससे फरहाद मिल जाता है। माही रोते हुए उसके सामने जाकर बैठ जाती है और अपने हाथ जोड़ लेती है और उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हारे टूटे हुए दिल की बददुआ मेरी जिंदगी खुशियाँ खा गई है। माही बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। फरहाद उसकी बात सुनकर रोते हुए कहता है कि ये क्या कह रही हो। माही कहती है कि मैं सच ही कह रही हूँ, मेरा हाल देखो, तुम्हारी बददुआ मुझे लग गई है। फरहाद उसे कोई जवाब नहीं देता और दोनों रोने लग जाते हैं। फरहाद को याद आ जाता है कि उसने माही से क्या कहा था कि तुमने मेरी सच्ची मोहब्बत को ठुकराया है, मेरा दिल तोड़ा है, कभी खुश नहीं रह पाओगी। याद आते ही फरहाद आंखें बंद करके दीवार से टेक लगाए बैठा रोता है। माही वहाँ से वापस आ जाती है, उससे फरहाद की ये हालत देखी नहीं जाती। माही बहुत परेशान होती है और यही सोचती है कि फरहाद जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ, मगर वो इस हाल में यहाँ क्यों रह रहा है। वो अपनी दोस्त को कॉल करके बताती है कि मैंने फरहाद को देखा है, वो बिल्कुल ठीक है और जिंदा भी है। उसकी दोस्त ये सुनकर बहुत हैरान होकर कहती है कि माही ये तुम क्या कह रही हो। फिर माही उसे सब कुछ बता देती है। माही कहती है कि मैंने फरहाद से मिलकर माफ़ी मांगी है, मगर उसका हाल देखकर मेरा दिल कट रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वो किस हाल में है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से दो मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं, मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। माही बहुत ज्यादा रो रही होती है। उसकी दोस्त को समझ नहीं आता कि वो उससे क्या कहे। फिर उसकी दोस्त कहती है कि हमें उसके घर वालों को बताना चाहिए क्योंकि वही उसको यहाँ से लेकर जा सकते हैं और इस गम से निकाल सकते हैं। माही कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। दूसरी तरफ जब फरहाद के घर वालों को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही खुश होते हैं। उनको खबर मिलते ही फरहाद का भाई और बाप इस मजार पर आ जाते हैं। जब वो फरहाद की हालत देखते हैं तो जारों कतार रोने लग जाते हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर फरहाद के बाप से रहा नहीं जाता, वो फरहाद को गले लगाकर बहुत रोता है। दोनों को समझ नहीं आती कि फरहाद से क्या कहें। फरहाद का बाप कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गम से दिल लगाए बैठी है, वो रो रो कर पागल हो रही है, मगर अब तो चल हमारे साथ, तुझे ऐसे देखकर उसे दोबारा जिंदगी मिल जाएगी। मगर फरहाद उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। फरहाद की बहन की दोस्त जो कि फरहाद से बेहद मोहब्बत करती है, उसकी शादी हो जाती है। जब उसे ये खबर मिलती है कि फरहाद जिंदा है तो उसका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। फरहाद की बहन उससे कहती है कि संभालो खुद को, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। फरहाद की वालदा का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो फरहाद से मिलने आती है और उसके सामने हाथ जोड़ कर कहती है कि मैं बूढ़ी अब तेरे बगैर नहीं रह सकती, मेरा दिल कहता है कि तू जिंदा है, मगर मेरी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा था कि माही फरहाद को अपनी ही हवेली में देख चुकी है। सिकंदर की माँ घर में दुआ के लिए दरबार से कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें से फरहाद भी होता है। माही फरहाद को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। फिर फरहाद अचानक वहाँ से गायब हो जाता है तो माही परेशान होकर उसे इधर उधर देखने लग जाती है, मगर फरहाद फिर नजर नहीं आता। अब माही जानना चाहती है कि ये लोग कहाँ से आए थे। माही को जब पता चलता है कि